और इफ़ यू कैन सी, जो मेरे ओल्ड वाले टायर में प्रॉब्लम था कटिंग का, तो ये वाले टायर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। ये जो खुशी है, ये खुशी सब्सक्राइबर बढ़ने की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक टायर से रिलेटेड है। सो मैं मेरे गाड़ी के चारों टायर रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल जो मेरे टायर्स हैं वो मिशेलिन XM1 है और वो अराउंड 38,000 किलोमीटर चल चुके हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली। बट मुझे अभी ये टाइम एक नया ब्रांड ट्राई करना है, बिकॉज मैं मिशेलिन XM1 से बहुत परेशान हूँ। XM2 भी बहुत अच्छा टायर है, मिशेलिन के बारे में कोई डाउट नहीं है, दोज आर गुड टायर्स। बट डेफिनेटली वो मेरे चॉइस और मेरे जो ड्राइविंग स्टाइल है उसके लिए सूटेबल नहीं है, या जो मेरा रूट है उस हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। सो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कौन सा टायर चूज़ करूँगा। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि टायर के स्कैम्स कैसे होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, प्लस टायर कैसे चूज करना चाहिए। तो ये पार्ट वाइज मैं वीडियोस बनाऊंगा। A few moments later. तो फिलहाल हम मयूर टायर्स में बैठे हुए हैं ठाणे में, और मैं आपको बताता हूँ मैं मिशेलिन से इतना परेशान क्यों हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो चिपिंग का प्रॉब्लम है ये मिशेलिन के साथ बहुत है, और ये जो कट आते हैं इसकी वजह से ना ड्राइविंग करते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और ऑल ओवर द चारों टायर में ये कटिंग का प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से चांसेस भी बहुत सारे ज़्यादा होते हैं कि पंचर होने के, बहुत सारे पंचर भी झेल चुका हूँ मैं मिशेलिन में। और मैं मोस्टली कोकन सेक्शन में गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर रोड्स में कट्स बहुत सारे हैं, तो ये जो पार्ट है ना ये इनर साइड के, वो रोड के कट की वजह से निकल जाते हैं। तो टायर की जो लाइफ है ना उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। इसके लिए ये टाइम मैंने ये वाला टायर नहीं लिया हुआ है, ये टाइम मैंने एक नया ब्रांड चूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल CC5 है, 185/65 R15। तो ये अपसाइज है, मेरा जो पुराना वाला सेक्शन था वो 175/65 R15 था। तो ये टाइम कॉन्टिनेंटल्स मैं ट्राई कर रहा हूँ, वैसे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और अपसाइज इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं घाट सेक्शन में गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, तो मुझे 175 सेक्शन में ज़्यादा ग्रिप नहीं मिलता, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ग्रिप रहे गाड़ी में कॉर्नर और स्टेबिलिटी के लिए। फिलहाल बैलेंसिंग की प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो देखेंगे एग्जैक्टली बैलेंसिंग की प्रोसेस कैसी होती है। तो ये जो बैलेंसिंग की मशीन है ये आपको एग्जैक्टली इंडिकेट करके बताएगी कि एग्जैक्टली आपको कितना वेट लगाना है। फिलहाल टायर रोटेट होना चालू हो चुका है, अभी ये दिखा रहा है कि 60 का वेट लगाना चाहिए। तो फिलहाल ये पॉइंट पे इन्होंने 60 का वेट इंस्टॉल कर दिया है। तो फिर वापस इन्होंने डायग्नोस करना चालू कर दिया। ये टायर फिलहाल डन हो गया है क्योंकि इसमें अभी कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, टोटली बैलेंस हो चुका है। सो वी आर बैक होम। एक्चुअली कुछ रीजन की वजह से कैमरा बंद हो गया था, बैटरी डाइड, सो मैं अलाइनमेंट को ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो मैं बता देता हूँ आपको, लेट मी पार्क माई कार। तो बैलेंसिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बैलेंसिंग क्या काम करता है। बट जो अलाइनमेंट होता है उसमें कैस्टर कैम्बर और टूई ऐसे के तीन एंगल होते हैं, तो मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जो कैम्बर होता है वो आपका जो आप टर्न लेते हो या आप जो कॉर्नरिंग करते हो उसके लिए, और स्टेबिलिटी के लिए कैस्टर कैम्बर एंगल इंपॉर्टेंट होता है। जो कैस्टर एंगल होता है वो जो आपका जो स्टेयरिंग आप जब घुमाते हो टर्न लेने के लिए, और जब वो रिटर्न आता है एक जगह पे, उसका मेन रोल कैस्टर का ये होता है। और जब वो
प्रॉपरली रिटर्न आता है, दैट मीन्स आपका कैस्टर का एंगल बराबर है। और जो टोई होता है उसका मेन काम होता है कि दोनों टायर को बैलेंस रखना और आपका जो टायर का ट्रेड होता है उसका लाइफ बढ़ाना। जो पुलिंग का प्रॉब्लम होता है लेफ्ट या राइट में, वो ये एंगल की वजह से होता है। अनदर थिंग, जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट 5000 में करनी चाहिए। जैसे कि मेरी गाड़ी में अलाइनमेंट 10000 पे है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है अगर मैं अलाइनमेंट नहीं करता हूँ, टायर डैमेज हो जाते हैं आगे वाले दो, एक तो अंदर से या बाहर से। तो अलाइनमेंट एक्चुअली 5000 पे कर लेना चाहिए, और जो बैलेंसिंग अलाइनमेंट और रोटेशन होता है वो 10000 पे आप कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अलाइनमेंट करने के बाद स्टेयरिंग बहुत लाइट वेट लगा मुझे, बट जो पिकअप है 185 सेक्शन अपसाइज करने के बाद इतना कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ है। एवरेज के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, एक लॉन्ग टर्म 1000-1500 किलोमीटर का मैं एक रिव्यू करूँगा, उसमें मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका बता दूंगा, इसके इंप्रेशंस भी कैसे है, क्योंकि प्लेन रोड पे चलाना और घाट सेक्शन में चलाना ये बहुत डिफरेंट होता है, या फिर हाईवे पे आप लॉन्ग रन करते हो वो डिफरेंट होता है, और आप सिटी में चलाते हो वो डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा 1500 किलोमीटर का, मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन, ये मिशेलिन इतना ही साइलेंट है नो डाउट। ब्रेकिंग में अभी फिलहाल ड्राई ब्रेकिंग में टॉप नॉच है, बिकॉज मैं सीट बेल्ट के बाहर निकल गया था लेकिन गाड़ी रुक गई थी मेरी, मैंने एक अर्जेंट ब्रेक ट्राई किया, सो उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। तो 185 साइज अपसाइज करने के बाद मेरा जो स्पीडोमीटर है, अगर 70 किलोमीटर चलता रहेगा, अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर के स्पीड से चलती रहेगी, यहाँ पे डिस्प्ले पे मुझे 71.4 के अराउंड स्पीड दिखाएगा, तो ये स्पीड वेरिएशन उसमें रहा और ये होने वाला ही है। अगर मैं 195 करता तो अराउंड 72.1 ऐसे ही कुछ किलोमीटर, उसका जो कैलकुलेटर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि पैसा कितना गया। तो ये जो चारों टायर है प्लस वाल्व्स और जो वेट्स लगते हैं बैलेंसिंग के लिए अलाइनमेंट सब पकड़ के अराउंड 23,000 के आसपास ये खर्चा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली टायर्स गाड़ी पे कैसे दिखते हैं। सो दिस इज हाउ दे लुक कम्पेयर टू 175 सेक्शन से, ये बहुत बड़े लगते हैं और ये गाड़ी पे सूट भी होते हैं। इसके लिए करेंटली जो होंडा सिटी बिकती है वो 185 सेक्शन पे बिकती है। दिस इज द हाउ रियर लुक्स। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और एक रीज़न मैं जाते जाते बता देता हूँ कि मैंने मिशेलिन XM2 क्यों बाय नहीं किया। मेरे साइड में एक मिशेलिन खड़ी है, मिशेलिन XM2 ही है ये भी। और इफ़ यू कैन सी, जो मेरे ओल्ड वाले टायर में प्रॉब्लम था कटिंग का, तो ये वाले टायर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। प्लस ऑलरेडी ये टायर इतने अच्छे कंडीशन में है, बट स्टिल इसमें भी वो जो टायर कट होने वाला प्रॉब्लम है वो है। सो इसके लिए मैंने ये टाइम XM2 ट्राई नहीं किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हो सके उतना शेयर करना। तब तक चैनल पे जितने भी बाकी सब वीडियो है, अगर आप नए हो तो वो चेक कर लेना। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए